हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 की लेटेस्ट मूवी लीजा फ्रैंकस्टीन। यह कहानी एक ऐसी लड़की की होती है जो बिल्कुल अकेली रहती है, जो चुपचाप रहती है, लेकिन एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो बिल्कुल बदल जाती है। आखिर उसके साथ में क्या होता है, यह सब जानने के लिए चलते हैं फिल्म की स्टोरी की तरफ। फिल्म की शुरुआत में हमें लीजा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक कब्रिस्तान में होती है और वो एक फ्रैंकस्टीन नाम के लड़के की मूर्ति के ऊपर काम कर रही है। दरअसल वो फ्रैंकस्टीन की मूर्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन वह इस बारे में किसी से नहीं कहती। और हमें यहाँ पर लीजा के बारे में पता चलता है, लीजा का एक पिता है और लीजा की मॉम की मृत्यु हो चुकी है, उसी वजह से उसके पिता ने एक और औरत से शादी कर ली है और उस औरत की एक बेटी भी है जिसका टैफी नाम होता है। उसी वजह से लीजा को एक प्यारी सी बहन मिल चुकी है जो लीजा का हर पल ख्याल रखती है। लीजा के पास में एक मशीन भी होती है जिसके अंदर वह जाकर खुद को कूल बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह बार बार नाकाम रहती है। और यहाँ पर लीजा की बहन टैफी लीजा से पूछती है कि क्या तुम किसी को पसंद करती हो या तुम्हारा कोई क्रश है, तो यहाँ पर लीजा बताती है कि एक माइकल नाम का लड़का है जिसको मैं पसंद करती हूँ, हालांकि मैंने उसे कभी नहीं देखा है, बस मैंने उसकी कुछ कहानियाँ पढ़ी हैं, जो कि एक छोटा सा राइटर होता है। साथ ही यहाँ पर लीजा फ्रैंकस्टीन के बारे में भी बताती है जिस मूर्ति के पास में वो हर रोज जाती है। बताती है कि वहाँ पर एक कब्र के पास में एक मूर्ति है और मैं हमेशा वहाँ पर जाती हूँ, मुझे उस मूर्ति से प्यार हो चुका है, मैं उस मूर्ति के ऊपर फूल भी चढ़ाती हूँ और साथ ही साथ उस मूर्ति को एक क्रॉस का निशान देकर आई हूँ। लीजा बाद में यहाँ पर टैफी के साथ में एक जगह चली जाती है जहाँ पर वो लोग बहुत सारी पार्टी इंजॉय करते हैं। तभी यहाँ पर लीजा की मुलाकात एक लड़के से हो जाती है और इस लड़के का नाम माइकल होता है जिसकी लीजा अक्सर किताब पढ़ती है। और लीजा माइकल को देखकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाती है क्योंकि वह माइकल को सीक्रेटली तरीके से प्यार भी करती है और हालांकि उसने माइकल को पहली बार देखा है। और वह बताती है कि तुम बहुत अच्छा लिखते हो, मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है। और इस तरह से इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो माइकल होता है उसकी एक गर्लफ्रेंड होती है जो माइकल और लीजा इन दोनों को अलग अलग कर देती है और वो लीजा को यहाँ पर ड्रिंक पिला देती है। इस ड्रिंक के अंदर बहुत सारी ड्रग्स थी, उसी वजह से लीजा जब इस ड्रिंक को पीती है तो उसे होश नहीं रहता और उस बेचारी को चक्कर आने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक डॉग नाम का लड़का आ जाता है जो लीजा की मदद करता है, उसे कमरे तक लेकर जाता है, लेकिन वो लड़का यहाँ पर लीजा का फायदा उठाना चाहता था, उसी वजह से लीजा वहाँ से चली जाती है। और हम टैफी को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ में होती है। उसकी दोस्त यहाँ पर लीजा के बारे में पूछती हैं कि वो लड़की कैसी है, वो ना तो किसी से ज़्यादा बातें करती है, वो बस चुपचाप रहती है। तो यहाँ पर उसकी बहन टैफी बताती है कि लीजा अपने पिता के साथ में रहा करती थी। एक दिन उनके घर में एक कुल्हाड़ी वाला आदमी आया जिसने अपने सिर पर मास्क पहना हुआ था और उस आदमी ने लीजा की मॉम को मार दिया। हालांकि लीजा भी वहीं पर थी, लेकिन लीजा ने जल्दी से पुलिस को कॉल कर दिया, लेकिन जब तक पुलिस आती तब तक वो कातिल वहाँ से भाग चुका था और आज तक उस कातिल के बारे में पता नहीं लग पाया। और उस टाइम पर लीजा के पिता बाहर गए हुए थे, उसी वजह से वो बच गए। और तब लीजा के पिता को मेरी मॉम मिल गई और इस तरह से मेरी मॉम और लीजा के पिता में दोस्ती हो गई। तभी इसी पार्टी वाली रात बहुत तेज बारिश होती है, बिजली कड़कने लगती है और यहाँ पर एक बिजली उस फ्रैंकस्टीन की मूर्ति पर गिर जाती है और लीजा घर पर आकर सो जाती है। लेकिन रात भर उसे बस उसी मूर्ति के ख्याल आते रहते हैं। और अगली सुबह जब लीजा उठती है तो यहाँ पर लीजा की मॉम जेनेट होती है जो लीजा को बताती है कि कल रात तुमने अपने बाथरूम का शीशा तोड़ दिया, उसी वजह से तुम्हें पैसे पे करने होंगे। और यहाँ पर जेनेट लीजा के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़कती है। हालांकि लीजा का पिता वो यहाँ पर जेनेट को शांत करने की कोशिश भी करता है और जो टैफी होती है वो भी जेनेट को शांत करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जेनेट यहाँ पर लीजा से जेलस फील करती है। बाद में लीजा यहाँ से शॉप पे चली जाती है जहाँ वह सिलाई मशीन का काम करती है, लेकिन तभी उसी शॉप पर माइकल आ जाता है जो अपना कोट लेकर आया है, जो बताता है कि इसे साफ करना है, मैंने पिछली रात इसके ऊपर वाइन गिरा दी थी। यहाँ पर माइकल की गर्लफ्रेंड भी आई हुई है और माइकल इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और लीजा माइकल के इस कोट को सीने से लगा लेती है। लीजा शाम को अपने घर पर आ जाती है, लेकिन उसकी मॉम यहाँ पर भी उससे अच्छे से बात नहीं करती, इसीलिए लीजा अपने कमरे में चली जाती है। लेकिन तभी लीजा की खिड़की तोड़कर एक आदमी आ जाता है, यह एक क्रिएचर टाइप का होता है और लीजा उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्रिएचर लीजा के पीछे ही पड़ जाता है। बाद में जब यह क्रिएचर बिल्कुल शांत हो जाता है तो बाद में लीजा को पता चलता है कि यह तो मूर्ति वाला इंसान है, यानी कि यह फ्रैंकस्टीन है। और फ्रैंकस्टीन के पास में वो क्रॉस का निशान भी होता है जो लीजा ने फ्रैंकस्टीन की मूर्ति पर चढ़ाया था। और इस तरह से लीजा की जिंदगी में यहाँ से बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। लीजा फ्रैंकस्टीन को नहलाती है और उसे यहाँ पर नए कपड़े पहनाती है और यहाँ पर वह उसे अच्छे से तैयार कर देती है और साथ ही साथ वह पूरी दुनिया से फ्रैंकस्टीन को छुपा कर रखती है, उसे अलमारी के अंदर बंद कर देती है। देर रात तक यहाँ पर लीजा के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जेनेट होती है, वो देखती है कि घर का बहुत सारा सामान टूटा पड़ा है, लेकिन लीजा बताती है कि यहाँ पर एक मास्क वाला इंसान आया था जिसने मेरे ऊपर हमला कर दिया, लेकिन मैंने किसी तरह उसे घायल कर दिया और पुलिस को बुला दिया और पुलिस उसे ले जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर लीजा की मॉम जेनेट वो बोलती है कि यहाँ पर कोई नहीं आया, ये सामान तुमने बिखेरा है, शायद तुम पागल हो चुकी हो
और मुझे लगता है कि तुम्हें पागलखाने में भर्ती करवा देना चाहिए। लेकिन लीजा बेचारी सैड हो जाती है और उसी वजह से वह अपने बेड पर आकर सो जाती है। और यह सब वह फ्रैंकस्टेन भी देख रहा था। और अगली सुबह फ्रैंकस्टेन यहाँ पर लीजा को नए कपड़े पहनने के लिए बोलता है। हालांकि फ्रैंकस्टेन बोल नहीं सकता, बस वह इशारों में बात करता है। इसीलिए फ्रैंकस्टेन नए कपड़े पहनती है और वो स्कूल के अंदर जाती है, तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और जो लीजा की मॉम जेनेट है वो घर पर अकेली होती है, और तभी वो क्रिएचर बाहर आ जाता है और वो घर के अंदर यहाँ वहाँ घूमने लगता है। और जो लीजा की मॉम खाना खा रही थी उसके अंदर वह कीड़े भी डाल देता है। बाद में लीजा की मॉम को पता चलता है कि मेरे खाने के अंदर किसी ने कीड़े डाल दिए हैं। साथ ही यहाँ पर वह क्रिएचर उस पियानो को भी बजाता है, शायद उसे पियानो बजाना आता है। वहीं हम लीजा को देखते हैं जो स्कूल के अंदर होती है, लेकिन तभी उसे माइकल देख लेता है और वो लीजा के पास में आ जाता है, क्योंकि माइकल लीजा को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और वो यहाँ पर लीजा से बात करने लग जाता है। लेकिन यह चीज़ उसकी बहन भी देख लेती है, इसी वजह से टैफी भी अपनी बहन के पास में आ जाती है, जो माइकल को बोलती है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम मेरी बहन के ऊपर डोरे डाल रहे हो। और उसी वजह से माइकल वहाँ से चला जाता है। और टैफी यहाँ पर अपनी बहन को समझाती है कि तुम इस तरह के लड़कों को डेट मत करो, ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। लीजा अपने घर पर आ जाती है और वो उस क्रिएचर के साथ में होती है। वो क्रिएचर इशारों में बताने की कोशिश करता है कि मेरे पास में मेरा कान नहीं है और उसी वजह से मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। तब तक यहाँ पर जेनेट भी आ जाती है, जो नर्स के कपड़े पहनकर आई है। तो यहाँ पर लीजा बोलती है कि आप तो मिलवो की जाने वाली थी, आपकी तो एक कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। तो यहाँ पर जेनेट बोलती है कि मैंने कॉन्फ्रेंस को स्किप कर दिया, मैं बीमार हो चुकी हूँ और मेरी प्लेट के अंदर किसी ने कीड़े डाल दिए, और वो ना वो यह काम तुम्हारा है। तो यहाँ पर लीजा बताती है कि मैं तो यहाँ पर थी ही नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। और यहाँ पर जेनेट लीजा के ऊपर बहुत ज़्यादा भड़कती है। तभी पीछे से अलमारी के अंदर से वो क्रिएचर बाहर आ जाता है और यहाँ पर वह जेनेट के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जेनेट गिर जाती है और मर जाती है। और जो फ्रैंकस्टेन है वो यहाँ पर जेनेट का एक कान काट लेता है, और लीजा और फ्रैंकस्टेन ये दोनों मिलकर किसी तरह करके जेनेट की बॉडी को एक कब्र में डाल देते हैं, और इस बारे में किसी को पता नहीं चलता। और मैं पता है कि लीजा एक सिलाई का काम करती है, उसी वजह से वो यहाँ पर फ्रैंकस्टेन के उस कान को जोड़ देती है, यानी उस कान की सिलाई कर देती है। साथ ही साथ वह फ्रैंकस्टेन को लेकर उस मशीन में जाती है, जिस मशीन में वह अक्सर खुद जाती है। और उस मशीन में जाने के बाद फ्रैंकस्टेन का कान पूरी तरह से जुड़ जाता है और फ्रैंकस्टेन को सुनाई देने लगता है। बाद में टैफी और उसका डैड खाना खा रहे होते हैं, वहीं पर लीजा भी आ जाती है। हालांकि टैफी और उसके डैड को पता नहीं चलता कि जेनेट के साथ में क्या हुआ है, क्योंकि उन्हें तो यही लगता है कि जेनेट मिलवो की गई है। तब यहाँ पर लीजा भी बताती है कि मुझे अपनी मॉम की बहुत सारी याद आ रही है। और बाद में लीजा अपनी बहन टैफी के साथ बातें करने लग जाती है। टैफी के गले के ऊपर एक निशान था और लीजा उससे पूछती है कि यह निशान कैसा है। तो टैफी उसके बारे में बात छुपाती है और बताती है कि यह निशान ऐसे ही हो गया, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। बाद में लीजा यहाँ से स्कूल में चली जाती है। स्कूल के अंदर वह डोग नाम के लड़के के लिए लव लेटर लिखती है और उसे एक जगह मिलने के लिए बुला लेती है, और उसी वजह से वो डोग नाम का लड़का लीजा से मिलने के लिए एक जगह पहुँच जाता है। उस लड़के को लगता था कि लीजा उसके साथ में कुछ करेगी, यानी उसके साथ में अकेले में रात बिताएगी। और लीजा यहाँ पर उस लड़के को कब्रिस्तान में लेकर आ जाती है और लड़के से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर आए हो। तो वह लड़का बताता है कि मैं एक बार आया था। और लीजा यहाँ पर इस लड़के को बोलती है कि तुमने मुझे पार्टी की रात जहाँ पर भी छुआ था वहाँ पर छूने की कोशिश करो। तो यह लड़का बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से यहाँ पर फ्रैंकस्टेन आ जाता है, जो इस लड़के के सर पर वार कर देता है और इस लड़के का एक हाथ काट लेता है। यह लड़का यहाँ से भागने लगता है, तो फ्रैंकस्टेन कुल्हाड़ी की मदद से उस लड़के को मार देता है। और लीजा फ्रैंकस्टेन के साथ में घर पर आ जाती है, क्योंकि फ्रैंकस्टेन का एक हाथ नहीं था, अब फ्रैंकस्टेन को एक हाथ भी मिल चुका है। और लीजा उस हाथ की सिलाई कर देती है और फ्रैंकस्टेन को लेकर उसी मशीन में जाती है, जहाँ मशीन के अंदर जाकर फ्रैंकस्टेन का वो हाथ प्रॉपर तरीके से जुड़ जाता है। और फ्रैंकस्टेन बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि उसके पास में अब सारी चीज़ें हैं। और उसी वजह से वह लीजा के साथ भी डांस करता है, साथ ही साथ वह लीजा के साथ आकर पियानो भी बजाता है, क्योंकि वह पहले पियानो बजाया करता था और लीजा को उसका पियानो बहुत ही पसंद आता है। और लीजा फ्रैंकस्टेन के साथ पियानो पर एक गाना भी गाती है। शाम को यहाँ पर टैफी भी आ जाती है और लीजा का डैड भी आ जाता है। टैफी को लगने लगता है कि शायद मेरी मॉम आ चुकी है, लेकिन लीजा बताती है कि नहीं, उसका कॉल आया था, वो आज नहीं आने वाली, और वो किसी तरह बात छुपाने की कोशिश करती है। और लीजा यहाँ से सीधा फ्रैंकस्टेन के पास में जाती है, जो कि अलमारी के अंदर छुपा रहता है, और उसे बहुत सारी बातें करती है। लेकिन तभी वहीं पर टैफी रोते हुए आ जाती है, इसीलिए लीजा जल्दी से उस अलमारी को बंद कर देती है। टैफी बताती है कि मैंने मिलवॉकी होटल के अंदर कॉल किया था, वहाँ पर मेरी मॉम की कोई जानकारी नहीं है, उन्होंने बताया कि जेनेट नाम की यहाँ पर कोई औरत आई ही नहीं, इसी वजह से यहाँ पर बेचारी रोने लगती है। तब लीजा अपनी बहन को शांत करती है और कहती है कि चिंता मत करो, हमारी मॉम आ जाएगी। उसी वजह से टैफी और उसका पिता पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि हमारी मॉम खो चुकी है, और जेनेट का सारा हुलिया बता देते हैं कि वो किस तरह से दिखती है।
और हम लिसा को देखते हैं जो फ्रैंक स्टेन के साथ में इंजॉय कर रही है, और लिसा को फ्रैंक स्टेन से प्यार हो चुका है, उसी वजह से वह उसके साथ में रात बिताना चाहती है। फ्रैंक स्टेन यहाँ पर एक 18 प्लस वाला टॉय देखता है और पूछता है कि यह किस काम आता है। तो यहाँ पर लिसा बताती है कि यह पीठ में खुजली करने के लिए काम आता है, और लिसा फ्रैंक स्टेन के साथ में भी बहुत सारी बातें करती है। और लिसा अगले दिन अपनी बहन टैफी के साथ में स्कूल जाने लगती है। उसकी बहन टैफी बहुत ज्यादा रो रही है क्योंकि उसकी मोम नहीं मिल रही, लेकिन लिसा बताती है कि चिंता मत करो, पुलिस काम में लगी हुई है, इसका मतलब कोई सही खबर आएगी। और वो दोनों स्कूल पहुंच जाती है, लेकिन स्कूल पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर एक डॉग नाम का लड़का था जो पिछले दिन से खोया हुआ है, और उसके बारे में कोई खबर नहीं है। उसी वजह से लिसा के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है क्योंकि उसका भी नाम आ सकता है, उसी वजह से बेचारी वहां से भाग जाती है। लेकिन बाद में लिसा को प्रिंसिपल के सामने बुलाया जाता है, जहां पर पुलिस भी आई हुई होती है, और वो लोग लिसा से पूछताछ करने की कोशिश करते हैं और लिसा को बताते हैं कि जो डॉग नाम का लड़का था उसे आखिरी बार में तुम्हारे साथ में देखा गया था, आखिर वो कहां पर गया हुआ है। तो लिसा बताती है कि मुझे नहीं पता, मैं उससे बस एक ही बार मिली थी। लेकिन यहाँ पर जो माइकल की गर्लफ्रेंड होती है उसे भी बुलाया गया है, वो बताती है कि यह लड़की डॉग से प्यार करती है, इसे डॉग के बारे में सब कुछ पता है, और इसने डॉग के नाम पर लव लेटर भी लिखा हुआ था जो कि मैंने देखा था। तो लिसा बताती है कि मैं इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहती, मैं अपने लॉयर से बात करूंगी, और इतना बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। वीएम फ्रैंक स्टेन को देखते हैं जो सड़कों पर आ जाता है, और वो यहाँ से एक बूढ़े आदमी को मारकर उसकी गाड़ी को चुरा ले जाता है। और जब लिसा आ रही थी तो वो फ्रैंक स्टेन को देख लेती है, और वो फ्रैंक स्टेन के साथ में उसकी गाड़ी में बैठ जाती है, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है कि मुझे माइकल के घर पे जाना है और मुझे उससे बात करनी है। और जब माइकल का घर आ जाता है तब लिसा माइकल के घर पहुंचती है। तो यहाँ पर लिसा देखती है कि मेरी बहन टैफी माइकल के घर पर पहले से ही पहुंची हुई है, और वो दोनों एक साथ बेड शेयर कर रहे हैं। तो लिसा यह सब देखकर चिल्लाने लगती है, और वो माइकल के ऊपर भड़कती है, साथ ही साथ वो अपनी बहन के ऊपर भी भड़कती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं माइकल को पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम माइकल के करीब आई। तो यहाँ पर टैफी माफी मांगती है और बताती है कि यह गलती हो गई। लेकिन तभी लिसा के पीछे पीछे यहाँ पर वो फ्रैंक स्टेन भी आ जाता है, और उसके पास में कुल्हाड़ी होती है, और वो यहाँ पर आकर माइकल के प्राइवेट पार्ट को काट देता है। साथ ही साथ वो यहाँ पर टैफी के ऊपर भी हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर लिसा अपनी बहन टैफी से बहुत प्यार करती है, उसी वजह से वो फ्रैंक स्टेन को यहाँ से जाने के लिए बोल देती है। तो फ्रैंक स्टेन यहाँ पर माइकल के प्राइवेट पार्ट को लेकर चला जाता है, और लिसा अपनी बहन टैफी को लेकर एक जगह पहुंच जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो फ्रैंक स्टेन कहाँ पर आया हुआ है। और वह फैसला कर लेती है कि मैं फ्रैंक स्टेन को मार दूंगी, और वह कुल्हाड़ी को लेकर फ्रैंक स्टेन की तरफ बढ़ती है। और जैसे ही वो फ्रैंक स्टेन के पास में पहुंचती है तो वो फ्रैंक स्टेन को नहीं मार पाती, उसे गले लगा देती है। और लिसा को पता चलता है कि फ्रैंक स्टेन के पास में उसका प्राइवेट पार्ट नहीं है, उसी वजह से फ्रैंक स्टेन ने जो माइकल का प्राइवेट पार्ट काटा था, लिसा उस प्राइवेट पार्ट को फ्रैंक स्टेन पे जोड़ देती है, यानी उसकी सिलाई कर देती है, और इस तरह से फ्रैंक स्टेन पूरा का पूरा बन जाता है। अब उसके अंदर कोई भी पार्ट की कमी नहीं थी, और उसी वजह से लिसा और फ्रैंक स्टेन ये दोनों एक साथ रात बिताते हैं और इंटीमेट होते हैं। लिसा बाद में फ्रैंक स्टेन को लेकर उसी मशीन में आती है जो मशीन इंसान को प्रॉपर तरीके से बना देती है, और लिसा अब की बार उस मशीन के अंदर खुद सो जाती है, लेकिन अब की बार उस मशीन के अंदर आग लग जाती है, और देखते ही देखते यह आग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और यह आग पूरे घर को लग जाती है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग देखने के लिए भी आते हैं। उन्हें लगने लगता है कि इसके अंदर जितने भी लोग हैं सारे मारे जा चुके हैं। वहीं बाद में लिसा के पिता को देखते हैं और लिसा की बहन टैफी को देखते हैं जो ग्रेवयार्ड में आते हैं, जो लिसा की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाते हैं और लिसा को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। और इन लोगों को पता चल जाता है कि लिसा ने मरने से पहले एक फ्रैंक स्टेन नाम के आदमी के साथ में शादी कर ली थी, और यहाँ पर यह चीज केवल टैफी को पता चलती है, यह बात उसके पिता को नहीं पता चलती। और बाद में हम मूवी के आखिर में फ्रैंक स्टेन को देखते हैं जो एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ होता है, यह बेंच झील के पास में होता है, और वो एक किताब को पढ़ रहा है, और हमें पता चलता है कि उसकी आवाज भी आ चुकी है, और हमें पता चलता है कि फ्रैंक स्टेन के पास में यहाँ पर लिसा भी है, और लिसा के पूरे शरीर पर पट्टियां बंधी हुई है, यानी कि उस आग वाली घटना में वो मरी नहीं थी बल्कि बच गई थी। और इस तरह से लिसा और फ्रैंक स्टेन हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। इसी के साथ हमारी यह बेहतरीन मूवी यहीं पर पूरी हो जाती है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। दोस्तों हम आपसे मुलाकात करते हैं और भी लेटेस्ट मूवीज के साथ, तब तक आप खुश रहें और अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।